हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है। साथियों, चलिए आज का जो आपका शिफ्ट है 29 जनवरी 2023 का है साथियों, इसलिए अगर एग्जामपुर 91 बनना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका SST पेपर 2 के लिए है। किसके लिए? पेपर 2 के लिए है साथियों। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। डायरेक्ट बोला गया क्वेश्चन में, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था साथियों? तो आपका ब्राह्मणी लिपि में। कौन सा हो जाएगा? आपका ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सम्मान के साथ दफनाया जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या कौन सा हो सकता है साथियों? जब सिंधु घाटी सप्तम जब आदमी मर जाता था, उसके सबके साथ कुछ सम्मान दिया जाता था, इसलिए दिया जाता था क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास होता था। सही बात है साथियों, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास होता था, यही बात आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है, पश्चिमी और छठी शताब्दी वर्तमान के तमिल के बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए आवश्यक था साथियों। पश्चिमी और छठी है साथियों, तो आपका जो हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण होता था, इसीलिए होता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बार के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ना, ABC को हमको विचार करना। सबसे पहले ए में बोला गया है, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते थे। सही बात है साथियों, और लघु चित्र आमतौर पर जलीय रंगों से कपड़े या कागजों पर चिन्हित किए जाते हैं। यही बात भी आपका सही है साथियों। और इसी में बोला गया है, प्राचीनतम लघु चित्र तार के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किया जाता था। ये बात भी आपका सही है साथियों, आपका ताड़ के पत्ता भी होता था और लकड़ी पर चित्रित किया जाता था, ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए आपका तीनों सही हो जाएगा, ABC तीनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया साथियों कि नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी, तो आपका मालवाड़ी हो जाएगा, क्योंकि मालवाड़ी हो जाएगा। अगर रैयतवाड़ी रहता तो उसमें हेक्टर मुंडो, अगर ये रहता साथियों आपका, देखिए रैयतवाड़ी, देखिए हम सब विखेक कर देते हैं, आपका रैयतवाड़ी दिया हुआ, देखिए रैयतवाड़ी आपका खोल के दे तो हेक्टर मुंडो, कौन थे साथियों? हेक्टर मुंडो थे साथियों। और अगर पूछेगा अस्थाई बंदोबस्त, अगर पूछेगा साथियों आपका ये पूछेगा, तो इसमें मारना है लॉर्ड कनवालिस मारना है। क्या मारना है? लॉर्ड कनवालिस है साथियों, आपका अस्थाई बंदोबस्त। लेकिन यहाँ पर दिया है आपका ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है हॉल्ट मैकेंजी, देख सकते हैं हॉल्ट मैकेंजी आपका मालवाड़ी, हॉल्ट में कौन है साथियों? मालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको, आप लोग अभी कथन में बोला गया है, लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरे की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्होंने महाजनपद कहा जाने लगा। ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद आर में बोला गया साथियों, सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही प्रकार की प्रणाली व्यवस्था लागू की गई थी। ये बात भी आपका सही है साथियों, इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी आपका हो रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया गुरु नानक के बारे में, क्या साथियों? गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थल को किस नाम से जाना जाता साथियों? पर धर्मशाला के नाम से। गुरु नानक जो पहले बनाए थे शुरुआती में, आपका धर्मशाला के नाम से जाना जाता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, किस क्षेत्र में कुलार और देवांगस समुदाय बुनकारी के लिए प्रसिद्ध थे साथियों? तो आपका दक्षिण भारत से संबंधित था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया साथियों 20वीं शताब्दी के बारे में, यहाँ 20वीं शताब्दी के बारे में बोला गया है। नंबर ए में बोला गया है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांग का समर्थन किया था। ये बात सही है साथियों। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए। ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है साथियों। क्या कर रहा है तो आपका व्याख्या भी हो रहा है साथियों। देखिए आपका ए भी दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। यही बात भी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया साथियों, क्या बोला गया है, शब्द सूफीवाद से जुड़ा है साथियों। तब आपका सबसे पहले खानका हो जाएगा, उसके बाद रक्स हो जाएगा, उसके बाद जिक्र हो जाएगा। ये आपका तीनों, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं आपका यहाँ से यहाँ तीनों हो जाएगा। उसके बाद जो आपका डी है साथियों, ये आपका गलती हो जाएगा। इस नाम जो है साथियों आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होता साथियों। इसलिए सूफीवाद से जो जुड़ा है आपका खानका, रक्स और जिक्र, यही तीन गो है साथियों। यहाँ से यहाँ तीन गो है साथियों, लेकिन ये आपका नहीं है। चलिए हम लोग आंसर देखते, देखिए आपका आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है किसने कश्तकार का चाबुक नामक पुस्तक लिखे थे साथियों। तो आपका ज्योतिबा फुले जो लिखे थे साथियों, कश्तकार का चाबुक ज्योतिबा फुले लिखे थे साथियों, ज्योतिराव फुले। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया साथियों, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान में कर्नाटक से थी ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया था। अंबाबाई, प्रभात फेरियों का जो आयोजन किया था आपका अंबाबाई, ही कर्नाटक की थी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया साथियों, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। ये बात सही है साथियों। और इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाई। ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये बात सही है साथियों। और उसके बाद ही बी में बोला गया है इनमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए और सभी भारतीयों को 18 वर्ष से अधिक आयु के हो वोट देने का अधिकार। ये बात आपका गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया क्योंकि जो 18 वर्ष था वो वोट नहीं, जिस समय आपका संविधान लागू हुआ था उस समय आपका 21 वर्ष था। क्या था साथियों आपका 21 वर्ष था, वोट डालने का 21 वर्ष था। लेकिन इसको जो है साथियों, इसको आपका 61वां संशोधन के तहत आपका घटा के आपका 18 वर्ष किया गया था साथियों। इसलिए ये जो आपका बी देख रहे हैं ये आपका गलत है साथियों। और आपका सी में बोला गया सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता माना गया, समान माना गया। ये बात आपका सही हो जाएगा साथियों। आपका ए और सी सही हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका ए और सी आपका सही हो जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर पर 18 वर्ष नहीं था आपका, 21 वर्ष एज था वोट डालने का, लेकिन उसको 61वां संविधान संशोधन के तहत उसको 18 वर्ष किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। थेमेटिक मानचित्र का उदाहरण है साथियों आपका भारत का सड़क मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं, थेमेटिक मानचित्र कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र सबसे अधिक उष्मा प्राप्त करते हैं। ये बात सही है साथियों, सबसे अधिक उष्मा प्राप्त करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। ये बात सही है, दोपहर में सिर के ऊपर होता है तभी तो ज़्यादा गर्मी महसूस होता है साथियों। इसलिए आपका दोनों सही है और आपका ए और बी का स्पष्टीकरण कर रहा है साथियों, इसलिए ए बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए दिया हुआ साथियों ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे हो तो 9 पूर्वाह्न किस दशांतर पर होगा साथियों। तो आप लोग घटाइएगा तो आपका जो आ जाएगा साथियों इसमें आपका 30 डिग्री पश्चिम, क्या होगा साथियों 30 डिग्री पश्चिम हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है दक्षिण गोलार्ध के बारे में, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में साथियों। तो सबसे पहले बी पढ़िए, बी में बोला गया है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। ये बात सही है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध
में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, ये बात सही है साथियों। और उसके बाद है साथियों 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर, दिन और रात की अवधि समान होता है, ये बात भी आपका सही है साथियों। कि 21 और 23 दिसंबर, 21 और 23 सितंबर, सितंबर है साथियों, दिसंबर नहीं है, 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर दिन और रात की अवधि समान होता है साथियों, दिन और रात की अवधि समान होता है। और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन जो होता है साथियों आपका 21 जून को, सबसे छोटा दिन जो कब होता है तो 21 जून को होता है, ये बात सही है। ए और बी क्या साथियों, बी और सी आपका सही है और ए आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी और सी आपका सही है। ये बोला गया सेल के एक दूसरे, सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन होने की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सेल चक्र कहते हैं साथियों। उसके बाद महासागरीय जल, महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में दो बार उठना और गिरना कहलाता है आपका ज्वार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, तो ज्वार भाटा कहलाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे मिलान करने का है। उत्तरी अमेरिका में जो साथियों पेरी आरी जो सही है साथियों, ये आपका सही है। और डाउंस जो दिया हुआ ये गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया होता है, डाउंस आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, ये भी गलत हो गया। और मध्य एशिया जो साथियों स्टेफिस, ये बात सही है साथियों। और बेल्ट जो है अफ्रीका का साथियों, इसलिए आपका ये गलती हो, क्योंकि इसमें दो युग्म सही है। कौन कौन युग्म सही है, तो आपका उत्तरी अमेरिका पेरियारी ये सही है, उसके बाद मध्य एशिया आपका स्टेफिस सही है। लेकिन आपका डाउन्स अगर पूछेगा तो मारना है ऑस्ट्रेलिया, ये गलत हो गया। और बेल्ट अगर पूछेगा तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका मारना है, ये बात भी आपका गलत हो गया साथियों। इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं आंसर, इसका दो युग्म सही है। कितना युग्म सही है साथियों, आपका दो युग्म सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा होता है साथियों, यही होता है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में जल की कमी आ जाती है। क्या होता है साथियों, तटीय क्षेत्र में जल की कमी आ जाती है साथियों। ये प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं साथियों, तो आपका प्राकृतिक क्षेत्र में जो वन्य जीव मिलता है साथियों आपका जैव मंडल में, कहाँ मिलता है, जैव मंडल में मिलता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया भारत में ठंडे रेगिस्तान से होकर, कौन सा प्रमुख नदी बहती है साथियों, तो सिंधु, कौन सा सिंधु नदी बहती है ठंडे रेगिस्तान से होकर साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या होगा, कल्पक्कम, तमिलनाडु में जो आपका बिजली संयंत्र आपका कल्पक्कम है, महाराष्ट्र में तारापुर है साथियों। उत्तर प्रदेश बोलेगा नरोरा मारना, कर्नाटक बोलेगा तो को केगा मारना साथियों। एक बार और मिला लीजिए, तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और आपका कर्नाटक में केगा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है औलवन जल का केवल 1% उपलब्ध, 1% उपलब्ध है था मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है साथियों, ये बात आपका सही है साथियों। और औलवन जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ, ये आपका गलत हो जाएगा, सबसे उपयोगी पदार्थ हम जल को नहीं मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पे गलती दे दिया, इसलिए नहीं मान सकते, क्योंकि इससे भी उपयोगी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन यहाँ दे दे सबसे उपयोगी जल है, ज़रूरी नहीं है साथियों, सिर्फ आपका ए सही हो जाएगा। देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों ये सही है और बी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया देख सकते हैं क्या है, मिल्पा लदांग और रोका और चीरू, मिल्पा लदांग रोका और चीरू ऊपर दिए गए नाम से संबंधित साथियों आपका जो है साथियों आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजाति, क्या साथियों, स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजाति हो जाता है साथियों, मिल्पा लदांग रोका और चीरू जाते हैं स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियाँ साथियों, विलुप्त प्रजातियाँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है भारत का वर्णन करते हुए किसने विविधता में एकता वाक्यांश का प्रयोग किया था, तो विविधता में एकता आपका जवाहरलाल नेहरू, कौन सा साथियों, तो आपका देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू क्या साथियों, जवाहरलाल नेहरू है साथियों, नेहरू जी विविधता में एकता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है स्थानीय संचार माध्यम मीडिया क्या है साथियों, तो इसमें जो आपका हो जाएगा साथियों आपका तीन नंबर आंसर सही हो जाएगा। तीन में बोला गया स्थानीय समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दे को कवर करने के उद्देश्य से चलाए
जाने वाले संचार माध्यम में सभी। क्या बोला गया, पीछे पढ़िए एक बार, स्थानीय समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दे को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम है साथियों। सही बात है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, भारतीय संविधान भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकते साथियों। तो आपका देखिए, केंद्र सरकार बैंकिंग पर, संचार पर बना सकता है, लेकिन पुलिस पर नहीं बना सकता, क्योंकि पुलिस पर जो है राज्य का हक होता है साथियों। इसलिए आपका मुद्रा पर भी बना सकता है केंद्र सरकार, लेकिन आपका पुलिस देगा तो पुलिस सिर्फ राज्य सरकार बनाएगा, केंद्र सरकार नहीं बना सकता है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, भारत में सरकार तीन स्तर पर काम करती है। इस संविधान को संविधान की भाषा में क्या कहेंगे साथियों। भारत में सरकार तीन स्तर पर करती है, इसको हम लोग कहते हैं संघवाद। क्या कहते हैं साथियों इसको, जो हम लोग कहेंगे साथियों तो संघवाद कहेंगे। क्या कहें, संघवाद कहेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए, दादन व्यवस्था के बारे में, किसके बारे में साथियों। तो दादन व्यवस्था घरेलू प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें क्या होता है, तो आपका जो होगा साथियों आपका सी सही हो जाएगा। व्यापारिक बुनकरों या उनके उत्पाद को कच्चे माल उपलब्ध कराता है और बदले में उसे तैयार उत्पाद प्राप्त करता साथियों। आपका थर्ड सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते साथियों। क्या बोलेंगे, ग्रामीण परिवार से लोग विशेष मौसम में प्लान करते हैं, तो आपका सबसे पहले भी सही हो जाएगा, क्योंकि खेतिहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं, ये बात सही हो जाएगा, और साल में हर एक समय उन्हें काम नहीं मिल पाता, ये बात सही है साथियों। उसके बाद खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं। क्या बोला गया साथियों, सी डी में, खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं, इसलिए आपका प्लान होता है साथियों। और ये जो है दिया हुआ है, ये आपका गलत है साथियों, ये नंबर है आपका गलत है। आपका बी सी डी सही हो जाएगा साथियों। क्या होगा, बी सी डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया, क्या बोला गया नेक्स्ट में, तो किसने कहा मैं संभवतः इस विचार को सही नहीं कर सकता हूँ कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट डाल सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह पैदा कर लिया। तो ये कथन जो था आपका साथियों, आपका महात्मा गांधी ने दिए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सरकार ऐसे कानून पारित किए हैं जो डज़न से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठन के लिए क्रेश सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य हो गया साथियों। तो अगर कोई भी फैक्ट्री में अगर 30 से ज़्यादा महिला रहती है, तो उसके लिए क्रेश सुविधाएं, बालवाड़ी जिसको बोलते हैं, व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा की घोषणा करता है। कल्याणकारी आपका राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। अंबेडकर के बारे में बोला गया है, देख सकते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकार के दोहरे उद्देश्य डेडेस्ट थे साथियों। सबसे पहले फर्स्ट बोला गया है, प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, ये बात आपका सही है साथियों। और बी में बोला गया है, वे अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानूनी बनाने का अधिकार दिया गया हो, ये बात भी आपका सही है साथियों। लेकिन आपका जो है सी और डी आपका गलत है साथियों, सी डी में सटीक नहीं है साथियों, सटीक बात नहीं बोला गया, इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की न्यायपालिका की शक्ति यदि वह मानती है कि संविधान में मूलभूत संरचना का उल्लंघन हो
कहला क्या कहलाएगा साथियों, तो आपका जो इसमें कहलाएगा न्यायिक समीक्षा, क्या कहलाएगा, तो न्यायिक समीक्षा कहलाएगा साथियों, न्यायिक समीक्षा कहलाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया हाथ से महिला ढोने के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वासन अधिनियम वर्ष 1993 में लागू क्यों हुआ। तो इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी और मानवीय स्थितियों में काम करते हैं, यही बात सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है और इस क्षेत्र का अंतिम सवाल है साथियों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण हेतु अधिनियम कब प्रभावित हुआ था, तो आपका जो हुआ था साथियों 2005 में हुआ था साथियों। कब हुआ था, 2000 देख सकते हैं 5 में किया गया था साथियों। चलिए जय हिंद साथियों, आपका सेट समाप्त हो गया है। अगर एग्जाम्पल 91 पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है साथियों।